हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ क्विक एंड इजी देसी स्टाइल टोमेटो सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चले आएँ, बनाना शुरू करते हैं देसी स्टाइल टोमेटो सॉस पास्ता। तो देसी स्टाइल टोमेटो सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन में पानी ले लिया है। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पीने पास्ता डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं, एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिला देंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे ताकि पास्ता पक जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं ओवर कुक करना। जितनी देर में हमारा पास्ता कुक होता है, हम यहाँ पे सॉस की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे हमने 5 टमाटर इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं, अब ये इस तेल में शामिल कर देंगे। चम्मच चलाएंगे इस तरह ताकि टमाटर हमारे हाफ कुक हो जाए। आप चाहें तो पानी में भी इस तरह से टमाटर को उबाल सकते हैं और सॉस तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। पलट पलट के मैं इनको पका रही हूँ। पास्ता में भी चम्मच चलाते रहेंगे साथ साथ। इस तरह से 2 से 2.5 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन टमाटरों को निकाल देंगे। अब हम इन टमाटरों को साइड पे रख देंगे ताकि ये ज़रा ठंडे हो जाएं, तो हम इनको ब्लेंड करेंगे। पास्ता बॉईल हो रहा है, जब ये तैयार होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता बॉईल हो गया है। अब हम इसमें से पानी को ड्रेन करेंगे। अब हम पानी को अलग करेंगे पास्ता में से, पानी हमने हटा दिया है, अब हम इसको साइड पे रखते हैं। अभी जिस पैन में हमने टमाटर को फ्राई किया था उसी पैन में हम सॉस तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून तेल लेंगे। लहसुन डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, इसको छोटा छोटा चॉप किया हुआ। लहसुन को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 3 हरी मिर्चें डाल देंगे जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। एक दरमियाने साइज की गाजर जिसको छोटा छोटा चॉप किया हुआ है, ये अब इसमें डाल देंगे। मिला देंगे। एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, लाल मिर्च कुटी हुई। 2 दरमियाने साइज की प्याज जिसको बारीक काटा हुआ है, ये डाल देंगे।
टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको ब्लेंड करेंगे। टमाटर ब्लेंड हो चुके हैं, अब हम ये प्यूरी इसमें डाल देंगे। आप इसमें और सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसा कि लॉन्ग बीन्स, कैप्सिकम, और इसके अलावा पत्ता गोभी। एक से डेढ़ छोटी चम्मच हम इसमें मिक्स हर्ब डाल देंगे। एक चम्मच टोमेटो केचप, डेढ़ चम्मच चिली सॉस, अब हम पास्ता ऐड करेंगे। मिला देंगे। तो गाइस, हमारा देसी स्टाइल टोमेटो सॉस पास्ता तैयार है। आप चाहें तो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पसंद नहीं है तो ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको चीज़ पसंद है तो ऊपर से चीज़ डाल दें, वरना वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनता है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।